गुरु रामदास महाराज जी के घर की गल कर मतलब कोई नी मेनू रोकण दा कुड़ी मां कदे प्रधान नहीं बन सकता। पुछो कुड़ी मां प्रधान किवें बन गया। ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਪੁੱਛੋ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੇਜ ਹੈ ਉਸ ਟੱਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਚੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੋ। 420 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ पर जे किसी के घर च बह के मैनू सच बोलन का हुक्म नहीं तुहानू ऑर्डर किन्ने दिते ने मैनू रोकण दे। भाई बलदेव सिंह वडाला वालों पाई गई वीडियो जिस विच उन्हां वालों सिरलेख लिखा गया है कि जदों बादलां दे बछिंदिया वालों भाई वडाला नूं सच बोलन तो रोकिया गया। सोशल मीडिया से काफ़ी वायरल हो रही है वीडियो। किसी थां समागम मौके भाई बलदेव सिंह वडाला वालों जदों श्रोमणी कमेटी जथेदार अकाल तख्त समेत बादल परिवार उपर सवाल खड़े किए तो उत्थे ताब्या बैठे भाई जी ने उन्होंने रोकया अते कहा कि वह कीर्तन करन ये गल्लां ना करन। नाल ही उन्होंने वालों भाई वडाला उपर 1,00,000 रुपए लैण का इल्जाम भी लाया। इस तो बाद भाई वडाला वालों उस भाई जी के सवालों के जवाब दिए गए। असी बाहर थड़ियां ते चौंकां च बह के भी गुरु रामदास जी के घर दे वारसां। फिर की होया गुरु रामदास महाराज जी के घर की गल कर मतलब कोई नी मेनू रोकण दा। अकाल तख्त ते जथेदार झूठ बोल रहा। पुछो जाके 328 सरूप चोरी बेचे ने। पुछो जाके गुरु ग्रंथ साहिब जी ते शराब पी के उल्टियां कीतियां जिन्हां नूं पुछो जाके। जमीना गुरु रामदास जी दे घर दियां वेचियां। पुछो जाके सरकारी तुसीं गुरुद्वारे नूं बनाता जिन्हां ते 420 दे परचे दर्ज ने उहनूं फकरे कौम कहिंदे हो। पुछो जाके कुड़ी मार कदे प्रधान नहीं बन सकता। पुछो कुड़ी मार प्रधान किवें बन गया। ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਪੁੱਛੋ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਵਕਾਊ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਵਕਾਊ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੇ ਖਾਚਦੇ। ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। 12 ਦਰੀਆਂ ਢਾਤੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਰਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਫਕਰੇ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੇਜ ਹੈ ਉਸ ਟੱਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਚੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੋ। 420 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ
इस तरह के सिर फिरे हर प्रोग्राम च जाके विघन पाउणगे, खराबी करनगे। ये तुहाडी मर्जी है, क्योंकि मैं तो कुछ भी झूठ नहीं आख्या। जे झूठा आ तो चलो अकाल तख्त साहब ते करो गल मेरे नाल बैठ के, ना फकरे कौम वापस लै, असी भी गुरु के सिख ने। ते जिन्हां नूं तुसी 31,000 दिंदे हो, लख दिंदे हो, उन्हां दी जबान ते 328 रुपां दी गल सुनी कदे? वो तां वकाऊ महकमा है, लिफाफा दिओ जो मर्जी बुलाओ, पर असी वो नहीं लिफाफिया दे यार भी लिफाफा लेके बोलदे बिना लिफाफिया तो बोलण वाले। सतगुरु कृपा करे, सब दी हाजरी ला लै। सतगुरु जिया के पावन स्वरूप पाड़े गए, रूड़िया ते रोल दिते गए, साडे नौजवानों नूं गोलियां मार के मौत दे घर घाट उतार दिता गया। केड़ी सिखी लई बैठे हो, गोडे ते लौड़ी है? कलगीधर पिता नूं फिर बाई धार दे राजियां नाल लड़न की जरूरत नहीं सी। फिर ते गुरु नानक साहब दे बचन भी तुसी कढ दोगे विचों, राजे सीम कदम कुत्ते, गुरु ग्रंथ साहब बदल दोगे तुसी तां कुत्ता राज बहालिए, ये नहीं पढ़ना क्योंकि ये सानू हजम नहीं हुंदा। वो ही पढ़ो, साडी मर्जी मताब, मर्जी तां गुरु दी चलदी। सतगुरु रहमत करन, जो कुछ भी किया इतिहास विचों, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे विचों किया है। सिख रहत मर्यादा भी बदलो ना, उहदे च लिखिया है कुड़ी मार प्रधान नहीं हो सकता, सिखां ने उहदे नाल कोई संबंध नहीं रखना। परवट्टी नहीं मुन्नणी, दाढ़ी नहीं मुन्नणी, पत्ते बदलो ना रहत मर्यादा नूं, पढ़ दिओ, सिख रहत मर्यादा नूं चैलेंज करो, गुरुद्वारा एक्ट नूं चैलेंज करो, सिखी सिद्धांतां नूं चैलेंज करो, तां मैनूं कर सकदे हो। ते जे ओ जां कह दिओ रहत मर्यादा झूठी है, जां कह दिओ सच्ची है ते मैं सच बोल रहा, कुछ तां कहना पऊ। जां इह गल्लां जिन्हां ते लागू हुंदियां ने ओह झूठे ने, सिखी तों भगौड़े ने। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਉਹ ਮੁਰਦਾਰ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਦੋਗਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखा एक बिन कोई, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, सूर वीर बचन के बली। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, नौ दुवारे साध साध कहाया, ते जिसदा साहिब डाडा होए, तिसनो मार ना सके। गुरु कृपा करे जी, सतगुरु अपने सेवा आप लै, सिर ते हथ रखण। उदो 22 मंजियां सी, अज 2200 ने, 22,000 भी हो सकते, पर गल ही कोई नहीं। असीं ते 10 लाख दे घेरे च जकारे छकण वाले, साडे पैर बहुत पक्के, असीं 10 लाख दे घेरे नूं चीर के नंगणा जाणदे हां। मालक कृपा कर, गुरु रामदास सतगुरु सच्चे पातशाह समुचे परिवार के सिर ते मेहर भरिया हथ रखण। संगत जी, जिन्हें तुसी आए हो जी आया, परिवार वालिया भी बेनती करता है, डरियो ना, लोड़ पई मैनू कॉल कर लो, हाँ परवाह नहीं करनी। जिन्ना चिर जिउंदे आ पिछे खड़े आ, जदों मर गए उदों फिर वह खड़ा जिहड़ा सब दे पिछे, गल ही कोई धमकियां भी आउणगियां, बाद च किन्ने बुलाया सी की होया, पर परवाह ना करे। असी गुरु रामदास जी के घर नूं इन्हां जोगां तों छड़ाउणा है जिहड़ियां खारियां ने हर चीज़ नूं खत्म करन ते लगियां होईयां, सिख विरोधी ताकतां नाल मिल के। और इह गल्लां किसे ने भी नहीं बोलणियां जी, सच्चाई। धन्नवाद भाई गुरबख्श सिंह जी, बापू बलविंदर सिंह जी होणी, जिन्हां सारिआं ने मिल के समागम उलीके, सतगुर शब्द की हाजरी ला लैणी।